से हम एंड्रॉइड स्टूडियो में XML फाइल को खोज सकते हैं। XML फाइल खोजने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मान लीजिए यहाँ पर अपलोड नोटिस स्टार्ट जावा है, क्योंकि इसका जावा है तो इसका XML फाइल भी होना चाहिए, और हर जावा का एक XML फाइल होता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर मैं जाऊँगा यहाँ पर ए पे जाने के बाद यहाँ पर जावा है। देखिए जावा का ऑलरेडी जितने फाइल होंगे हम बनाए होंगे सब हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर, सभी हमारे पैकेज हैं। और मुझे फाइल निकालना, देखिए यहाँ फाइल निकाल सकते हैं आप, मेन एक्टिविटी, नोटिस डाटा, अपलोडिंग इमेज, ये हमारे सब क्या है, ये हमारे जावा फाइल है। अगर मुझे XML फाइल खोजना है तो कैसे लाऊंगा, इसमें मुझे अगर मान लीजिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा इसमें नहीं शो कर रहा है, मुझे शो करना है, तो यहाँ डायरेक्ट आप डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा का सारे कोड हमारे पास दिखाई देंगे। इसे मान लीजिए वो अपलोड नोटिस का देखना है, अपलोड नोटिस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, देखिए उसका सारे के सारे जितने कोड हैं दिखाई दे देंगे। इसी तरह मान लीजिए मुझे XML फाइल कोड खोजना है, तो मुझे कैसे खोजूंगा, तो मुझे डायरेक्ट जाना होगा आरिया रिसोर्स में, और यहाँ डायरेक्ट जो देख रहे हैं आप लेआउट देख रहे हैं, तो लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद देखिए हमारे जितने भी XML फाइल होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। इसे यहाँ पर अपलोड डॉट PDF XML, नोटिस XML, अपलोड XML, मेन XML, अगर मुझे एक्टिविटी मेन XML खोजना है तो इस पर डबल क्लिक करूँगा तो हमारे देखिए एक्टिविटी मेन XML खुल गया। इसे मान लीजिए मेरा एक्टिविटी अपलोड नोटिस डॉट XML है, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसको भी खोज सकते हैं आप। इस तरह अपलोड इमेज डॉट XML है तो इसको भी खोलना है तो इसको भी आराम से खोज सकते हैं, इस पर देख सकते हैं। इसको हटाना है यहाँ से, क्योंकि अगर लग रहा है आपको मतलब ज़्यादा जगह है तो यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, दिक्कत ज़्यादा होगा तो हटा सकते हैं आप यहाँ से, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हटने का मतलब ये नहीं कि उड़ जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक अच्छा सूटेबल जगह मिल जाता है आपको कोड अच्छे से करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।